भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज यानी 11 जुलाई को महाराष्ट्र विधानमंडल के सदस्यों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा के सभापति ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और महाराष्ट्र विधान परिषद के उपाध्यक्ष डॉ. नीलम गोरे द्वारा दिए गए निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से मार्च में आयोजित सेकेंडरी परीक्षा के विद्यालय गुरुकुल विद्यापीठों के परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र माइग्रेशन एवं कंपार्टमेंट प्रमाण पत्र आज यानी 11 जुलाई को वितरित होंगे। आपको बता दें कि परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र माइग्रेशन एवं कंपार्टमेंट कार्ड आज सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। पंचायत समिति आनी की परिसंपत्तियों की नीलामी आज पंचायत समिति हॉल आनी में आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि नीलामी की अध्यक्षता SDM आनी नरेश शर्मा करेंगे। सहज सोलर IPO आज यानी 11 जुलाई को खुलेगा और 15 जुलाई 2024 को बंद होगा। आपको बता दें कि सहज सोलर एक NSE SME IPO है। कंपनी IPO के जरिए 52.56 करोड़ रुपए जुटाएगी। वहीं सहज सोलर IPO का प्राइस बैंड 171 रुपए से 180 रुपए तय किया गया है। आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई एवं उनके निस्तारण के लिए त्रिस्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत माह के आज यानी 11 जुलाई को प्रातः 11 बजे तहसील कार्यालय मनोहर थाना के VC रूम में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई है। बता दें इसके अतिरिक्त अन्य उपखंड स्तरीय जन सुनवाई भी संबंधित उपखंड अधिकारियों की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया अपने जिले की सभी शाखाओं में NPA ऋण समझौता दिवस का आयोजन आज यानी 11 जुलाई को करेगा। आपको बता दें कि NPA KCC धारकों को उनके KCC बकाया राशि पर 60% तक की छूट दी जा सकती है। डिजिटल उपस्थिति और पंजिकाओं के डिजिटलाइजेशन के विरोध में आज जनपद भर के शिक्षक BSE कार्यालय पर अपराह्न 3:15 पर जुटेंगे। आपको बता दें इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र भी BSE को दिया जाएगा। रोहतक में आज यानी 11 जुलाई को राजीव गांधी विद्युत भवन पावर हाउस पर बिजली दरबार लगाया जाएगा। आपको बता दें जिसमें रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों नामता, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण में किया जाएगा। आज यानी 11 जुलाई को निघासन ब्लॉक में एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि सुबह 10 बजे से आयोजित होने वाले इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारी आ रहे हैं। विस्तृत विवरण रोजगार संगम पोर्टल पर देखकर इच्छुक युवा अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उनका कहना है कि आज से 3 दिनों तक अच्छी बारिश हो सकती है। बता दें कि हालांकि गर्मी में कुछ कमी दिखाई पड़ी, अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री रहा जो सामान्य से 3.7 डिग्री अधिक रहा, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1922 में आज के दिन हॉलीवुड बाउल की शुरुआत हुई थी। साल 1956 में आज ही के दिन अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार अमिताभ घोष का जन्म हुआ था। साल 2002 में आज ही के दिन चांग शांग दक्षिण कोरिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। साल 2003 में आज ही के दिन भारतीय लेखक भीष्म साहनी का निधन हुआ था। साल 2004 में आज ही के दिन मुंबई उपनगरीय में 7 रेल बम विस्फोट हुए। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।